हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एंड आई रियली होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप हमें तो देख सकते हैं कि हम बहुत ही मस्ती से अपनी पैकिंग कर रहे हैं। कंफ्यूजन तो है बहुत सारा वाइल पैकिंग कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एंड हम कहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस व्लॉग के थ्रू। रात में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से पैकिंग करने के बाद ये बच्चा पार्टी निकल गई अपने सफ़र की ओर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए देवभूमि के बस स्टैंड में। लेकिन वहां पहुंच के हमारी शक्लें थोड़ी सी तो उतर सी गई थी, क्योंकि हमें करना पड़ा अपने प्लान को पूरा का पूरा चेंज। जी हाँ, हम जा रहे थे दर्शन करने श्री केदारनाथ जी के, लेकिन जिस समय हम जा रहे थे हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा क्राउडेड होगा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जितनी भी गाड़ियाँ थी वो 20 के स्पीड में चल रही थी। भोले बाबा का नाम लेके हमने सफ़र तो शुरू कर दिया, लेकिन हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ पहुँचेंगे। भैया हम पहुंच गए 8 बजे। इतने देर में हम दिल्ली पहुंचे, वापस भी आ जाते हैं। क्या करोगे? तो जाओ फिर वापस दिल्ली। दिल्ली की गर्मी हवा। हेलो गाइस, मैं अपनी ट्रैकिंग घर से स्टार्ट कर दूँ लगता है, और ये पीछे साला इन लोग दिमाग खराब करके रख गए। देखो ये देखो, एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही किसी को कभी कुछ मिलेगा। तो हमारे साथ भी शायद वही हुआ, लेकिन भोले बाबा का नाम लेके हमने अपना सफ़र तो शुरू कर दिया। अब उन्हीं की मर्ज़ी है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। सुंदर नज़ारे दिखने शुरू ही हुए थे कि बस A few moments later. ये इसकी उल्टी करने के बाद का कॉन्फिडेंस देख रहे हो? और यहाँ ये उल्टी मार। यार कसम से इसका मुंह बंद। अपने समय को वेस्ट ना करते हुए हमने ली खूब सारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स, और इसी तरह हम पहुंच गए अपने न्यू डेस्टिनेशन पे। हम सब लोग अपने अपने घर से भोले बाबा की उस एक झलक को देखने के लिए तो घर से निकल गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम अपने डेस्टिनेशन को श्री केदारनाथ जी से चेंज करके श्री तुंगनाथ जी कर देंगे, विच इज़ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। हम कोई भी तीर्थ स्थल के दर्शन जब भी करने जाते हैं और कोई भी देवी देवता के दर्शन करने जब भी जाते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमें उन्हें देखना है। लेकिन सच तो ये है कि जब तक वो आपको नहीं देखना चाहते, आपकी अर्जी कहीं भी नहीं लग सकती, है ना? चलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट हॉल्ट है। हम लोग साथ में इनका पहला हॉल्ट ले रहे हैं। इसके बीच में हमने 20 हॉल्ट लिए, लेकिन ये पहला 7 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे हम थोड़ा पानी वानी शेयर कर रहे हैं। इसको लगता है एनर्जी सस्ती की ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आओ जो माय गॉड, हम यहाँ अपना मेंटल हेल्थ सही करने आए थे। लग रहा है फिजिकल हेल्थ भी खराब है। ये हमारा है दूसरा हॉल्ट, और इन लोग बना रहे अपनी फोटो।
हमारे सनातन धर्म में पंच केदार के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरत ये तुंगनाथ मंदिर है, जो कि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है। जब तक सब लोग फोटोज़ क्लिक करा रहे थे, मैं यहाँ पे इस नज़ारे को इंजॉय करते हुए अपना एक छोटा सा घर बना रही थी। हम हमेशा कहते हैं ना कि हम अपने लाइफ को प्रॉपर प्लान करके चलेंगे, लेकिन वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक साधारण से इंसान हैं और हम सबके रचयिता वो ऊपर वाला है। लाइफ में जब भी कुछ अच्छा नहीं होता ना, हम हमेशा मायूस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना वो बुरा भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ही देख लीजिए, अगर हमें 3 से 4 किलोमीटर के ट्रैक इतनी लंबी लग रही है, तो श्री केदारनाथ जी के ट्रैक कितनी लंबी लगती। इतनी लंबी ट्रैकिंग करने के बाद हम एक लंबी सी वेटिंग लाइन में लगे रहे बाबा जी का दर्शन करने के लिए। अब फाइनली हम आए हैं, देखो हमारे साथ आई है ये छोटी जादू और ये जादू की बड़ी बहन, बड़ी जादू, और ये रहा। प्लीज सब्सक्राइब एंड फाइनली। पता है जब हमारा प्लान चेंज हुआ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ शूट करने का, लेकिन फिर सोचा कि अब इतने ऊपर आए हैं तो कुछ बना ही लेते हैं। ये देखो गाइस, हम आ गए हैं तुंगनाथ में। इस ट्रिप से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ बनाई हैं। ये मेरी भाभी हैं, जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और पता है जिस तरह से हम गॉसिप करते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, उस हिसाब से तो कभी लगता ही नहीं है कि ये मेरी भाई की वाइफ है। मुझे हमेशा से ये फील होता है कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बहन है, और मैं हमेशा चाहूँगी कि हम हमेशा ऐसे रहे। और इसी तरह हमने इस प्यारे से मेमोरी को अपने दिल में कहीं संजो के रख लिया और घर के लिए रवाना हो गए। कहीं आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट, हर हर महादेव।